नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार सारण से शुभम सिंह की रिपोर्ट। गुरुवार को कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने बभन गामा से चुनरडीही मुख्य मार्ग सड़क का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर उक्त सड़क को आरओ विभाग से बनाया जा रहा है, जिससे आवागमन की सुविधा होगी। यह सड़क बरसात के पहले बनकर तैयार हो जाएगी। श्री रणधीर सिंह ने कहा कि पुराने जनप्रतिनिधियों के कचड़ा साफ करते जा रहा हूं। बहुत ही जल्द सधरिया खखड़ा चरक मरा घोड़ावा घाट पर भी पुल का निर्माण कराया जाएगा। सड़क के शिलान्यास के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने कहा कि विगत कई वर्षों से हम लोग इस सड़क की मांग कर रहे थे। सड़क बनने के बाद आवागमन में भी सुविधा होगी। हमारे साठ विधानसभा क्षेत्र के साठ प्रखंड के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में थी और ग्रामीण कार्य विभाग से क्या मैंने अनुशंसा कराकर DPR तैयार कराकर फिर से उसकी स्वीकृति दिलाकर और विधिवत रूप से आज शिलान्यास किया ग्रामीणों के समक्ष, जिसमें हमारे PWD पथ बमनगावा से महाराजगंज होते हुए चुनरडीह तक एक पहला पथ है और दूसरा पथ है जिसका हमने शिलान्यास किया सोनाबाद PWD पथ से ऊपर भैया अमला चातर होते हुए मठाठन आदिवासी टोला होते हुए PWD सड़क तक। ये दोनों सड़क बहुत दिनों से ग्रामीणों की मांग थी। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए हम इस सड़कों की स्वीकृति दिलाने का काम हमने किया है। मुझे लगता है कि बरसात के पहले बंद रोड बन के तैयार हो जाएगी। भविष्य में इन पथों को भविष्य में मैं PWD में कन्वर्ट कराने का काम करूँगा RU से। ये RU की सड़क बनी हुई सड़क थी, जिसको विशेष रूप से हमने पूरे रोड में कारपेंटिंग कराने का हमने निर्णय लिया और उसको हमने स्वीकृति दिलाने का काम किया। बामनगांव चुनाडी मुख्य मार्ग, ये सड़क नया निर्माण होगा या पुराने सड़क की मरम्मत होगी? नया, ये पुराने सड़क के जहाँ जहाँ पूरे गड्ढे हैं पूरे गड्ढे को पोर्ट होल भरकर नए सिरे से इसकी पूरे कारपेंटिंग होगी। रोड के बगल में कुछ ग्रामीण लोग अवैध रूप से इसमें कब्जा किए हुए हैं, तो उसे अतिक्रमण के द्वारा हटाया जाएगा? ये तो पूर्व के जनप्रतिनिधियों का गलती है। पूर्व के जनप्रतिनिधि के कार्यकाल में जब ये सड़क बना उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। पुराने जनप्रतिनिधि के कचरा को मैं साफ करते जा रहा हूँ विधानसभा में, उसका कचरा साफ करने का एक ही उपाय है। पुराना जनप्रतिनिधि जहाँ कचरा छोड़ दिया है उस अतिक्रमण को हटाने का एक ही उपाय है इस पथ को PWD में करवाना। तो भविष्य में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इसी बगल में देखें सदरिया गाँव है, सदरिया से बमरिया घाट में हमने अजय नदी में उच्च स्तरीय पुल बनाया, हाई लेवल पुल बनाया हमने। और उस अभी कर्मा मोड़ से सदरिया होते हुए बमरिया गंगटी बलथरा आराजुरी तक PWD पथ तक मधुपुर को जोड़ने वाला तो को हमने PWD में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो भविष्य में मेरा टारगेट है, हमने जो एक पुल का भी हमने अनुशंसा किया यहाँ जिस गाँव का जो पथ यहाँ यहाँ समाप्त होती है चुनरडीह गाँव में, यहाँ से सदरिया बगल में गाँव है वो सदरिया और चुनरडीह के बीच में यहाँ पे लोगों का ग्रामीणों का आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी पुल हम बनाएंगे भविष्य में, उस पुल जब बन जाएगी तो ये पूरे सड़क PWD में कन्वर्ट करके और जो अतिक्रमण है स्वतः अतिक्रमण समाप्त हो जाएगी। जब PWD सड़क आएगा तो स्वतः रोड की चौड़ाई डबल हो जाएगी तो अतिक्रमण स्वतः समाप्त होगा। और ज्ञात हो कि जब PWD में कोई सड़क कन्वर्ट होता है तो अगल बगल के ग्रामीणों को मुआवजा भी मिलता है। किसी का जमीन दबाकर लेती है सरकार तो मुआवजा देती है। RU विभाग में कोई सड़क का निर्माण में मरम्मति वो चूँकि उसकी चौड़ाई कम रहता है इसी चलते उसको मुआवजा नहीं मिलता है। बगल में अभी आप देखिए कि और यहाँ की स्थिति ये है कि खखड़ा इस जो गांव हमारा है बगल में आज भी बहुत उपेक्षित गांव है और चिराग तले अंधेरा। जो 20 साल तक यहाँ पे जो विधायक रहे जिन्होंने यहाँ शासन करने का काम किया, 20 साल तक शासक बनकर शासन करने का काम किया, उनके कार्यकाल में उन गाँव की स्थिति ये हो गई है। उन गाँव में अभी जाने के लिए सोचना पड़ता है। मैं अभी वहाँ पर एक अनुशंसा किया हूँ पुल काजा नदी में जो चुनरडीह आपका चरकमारा से खाखरा के बीच में वो पुल सदरिया पुल बनाऊंगा। अब पूरे इस इलाके को मैप में लाऊंगा, विकास के मैप में लाऊंगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने तेजी से काम किया है। आज़ादी के 70 सालों में जितने विकास विधानसभा में नहीं हुए थे हमने 4 सालों में करके दिखाया है और पूरे विधानसभा में 10,000 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं को हमने संसद कराकर काम कराने का काम किया है। आप इसी अजय नदी में देखें
तो ये चूंकि सारण विधानसभा क्षेत्र 3 नदियों से घिरा हुआ है, सारण विधानसभा क्षेत्र के सारण पालाजुली का मार्ग 3 ब्लॉक है, लेकिन 3 ब्लॉक में सारण ब्लॉक ऐसा है जहाँ की 3 नदियां से घिरा हुआ है, जयंती, अजय, पतलो, तीनों देवघर जिला की बड़ी नदियां हैं। उस नाते से आप देखें तो कई ऐसे जो है नदियों में पुल बनाना नितांत आवश्यक था, जो पुल के जनप्रतिनिधियों ने नहीं बनाया। आजादी के 70 सालों में अजय, पतलो, जयंती नदी में जितना पुल बना था 70 सालों में, उससे ज्यादा डबल पुल हमने अपने 4 साल के कार्यकाल में बनाने का काम किया, जिसमें आप देखें अजय नदी में आसन मोनी से पंडुआ घाट में हमने उच्च स्तरीय पुल बनाया, सरिया से बंदिया घाट में अजनी में हमने पुल बनवाया, साढ़ से दुनवाड़ी घाट में हमने अजनी में पुल बनाया, आसाना से पकड़िया घाट में हमने अजनी में पुल बनाया, अभी एक पुल जो है बनवरिया से बसुरिया असमला पुल से मेरे और निशिकांत दुबे सांसद के ज्वाइंट रिकमेंडेशन से बनवरिया आपका जो बसुरिया से असमला पुल घाट में वो पुल का भी हम लोगों ने अभी शिलान्यास किया है। इसके अलावे अभी 3 और पुल पतलू नदी में हम बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा बारा से बस्की घाट और कुंडाव से जम्बुआ घाट और आपका एक देहराबाद से बड़ी घाट भी सेंक्शन हो गया है। तो इतनी पुल है आज़ादी के बाद कभी नहीं बनी थी, वही बड़ी पुलों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं छोटे पुलों की बात करूँ तो DMFT से मैंने 80 पुल का निर्माण विधानसभा में करवाने का काम कर रहा हूँ। वहीं आर्यो विभाग से 16 बड़े पुल बन रहे हैं, जोड़िया में बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, सीधा नदी में पाली में पुल बन रहे हैं। तो इतने पुल आज़ादी के बाद कभी इस विधानसभा में नहीं बना था। जिन गाँवों में जाने का संपर्क पथ नहीं था, जहाँ पर आपका पुल कभी नहीं बना था, वहाँ पुल हम बना रहे हैं, संपर्क पथ बना रहे हैं और बिजली व्यवस्था को भी हमने इस विधानसभा में सुधारने का काम किया। चित्रा ग्रिड से हमने साढ़ को जोड़ा, चित्रा में हमने ग्रिड बनवाया, जो यहाँ बिजली कभी नहीं आती थी, आज बिजली की स्थिति में हम साढ़ विधानसभा आत्मनिर्भर की स्थिति में आ गया। साढ़ पालाजोरी कर्माटा की बिजली व्यवस्था को हमने परमानेंट सोलनेशन कर दिया, 450 गाँव में हमने बिजली पहुँचाने का काम किया और लगभग 1150 नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का काम इस विधानसभा में किया। तेजी से हमने काम किया है, तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हमने तेजी से काम किया है। हमारे पुल के जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ विधानसभा में जिन्होंने शासन करने का काम किया, वो लोग विकास के प्रति इतना संवेदनशील नहीं थे, संवेदनशील होते तो आज इतना मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता विधानसभा में। पहले के लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, विकास के प्रति उनकी सजगता नहीं थी, पूर्व में मधुकोड़ा की सरकार थी, मधुकोड़ा की सरकार को लोगों ने बचाने का काम किया, G5 बनाए थे, लेकिन कभी भी चाहते थे मधुकोड़ा सरकार में काफ़ी विकास आ जाता है यहाँ पे। मैंने अगर 6 विधायक का भारतीय जनता पार्टी में विलय किया अगर झारखंड विकास मोर्चा से, तो हमने पाई पाई एक योजनाओं को लाने का काम किया यहाँ पे, और 10,000 करोड़ योजना हमने इस विधानसभा क्षेत्र में लाने का काम किया है और आगे लाता रहूँगा और इस विधानसभा का एक एक जनता के एक एक वोट का कर्जा चुकाने का काम करूँगा। धन्यवाद।